अस्सलाम वालेकुम फ़ैलो लर्नर्स हमारी कंज्यूमर बैंकिंग पे स्टडी जारी है और आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर तीस और उसके जो मुख्तलिफ़ कॉन्टेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में और आंदा कुछ लेक्चर्स में हमारा जो टॉपिक है वो रिस्क मैनेजमेंट का है हमने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बताया कि ख़ास तौर पर बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में और उसके साथ साथ कंज्यूमर बैंकिंग में रिस्क मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों अहम है और उसकी क्या अहमियत है और हर आने वाले दिन के साथ इसकी अहमियत में इजाफा हो रहा है जो फाइनेंशियल टर्मोल्स देखा गया फाइनेंशियल सेक्टर में और उसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया उसने भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि रिस्क मैनेजमेंट चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो खास तौर पे बैंकिंग और फाइनेंस उसकी क्या अहमियत है इसलिए हमने कोशिश की इस सब्जेक्ट में रिस्क मैनेजमेंट के इस पहलू को आपके साथ शेयर करें हालांकि आप लोग हम आपको बता चुके हैं कि क्रेडिट रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से एक पूरा डेडिकेटेड कोर्स आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ कोशिश ये थी कि उस कोर्स में जो चीज़ें आपने एक तरह से लर्न की थी उनको एक तरह से मजीद स्ट्रेंथन किया जाए उनको सप्लीमेंट किया जाए उनको कॉम्प्लीमेंट किया जाए ताकि आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट की जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर एक इफेक्टिवनेस आ जाए और इसमें हमारी कोशिश ये रही है इन सारे रिस्क मैनेजमेंट ई ERM के हवाले से रिस्क एपेटाइट के हवाले से कि जो लेटेस्ट लिटरेचर अवेलेबल है जो लेटेस्ट मटेरियल अवेलेबल है वो हम आपके साथ शेयर करें और उसके सोर्सेज जो हैं जाहिर है वो अथंटिक सोर्सेज हैं वो रिलायबल हैं और वो मुख्तलिफ़ आप कह लें कि जो इदारे हैं जो मुख्तलिफ इस जिन्होंने लोगों ने काम किया है जिनकी खासी स्टडी है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से जिस तरह उन्होंने स्टडी की है रिसर्च की है और वो इन अ वे ग्लोबली इंटरनेशनली अथॉरिटी समझे जाते हैं उन्होंने इस पर जो काम किया है उनकी जो एक तरह से कोशिशें हैं वो उसका उनके जो इनसाइट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करें और यहाँ जाहिर है जब हमने आपके साथ ये सारी बातें कि और हमने आपको बताया तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये स्टडी इस हवाले से हम जो भी कर रहे हैं वो किसी हद तक नाम नामकम्मल है और ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप लोग भी इसके साथ साथ अपनी इस स्टडी को ओवरऑल और रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक को इन पर्टिकुलर जारी रखें और इसके जो मुख्तलिफ़ सोस हैं जो इसके इंटरनेट पे अवेलेबल हैं इन शो हम आपको जो आपके हैंड आउट्स हैं उसमें वो सोर्स इंडिकेट करेंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि आपने अगर मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इस सब्जेक्ट पे तो कौन से सोर्सेज हैं कहाँ आपने जाना है और कहाँ से आपको रेलिवेंट मटीरियल मिलेगा तो जब हम रिस्क मैनेजमेंट uh, की और रिस्क एपेटाइट की बात कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में रिस्क एपेटाइट के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की और जैसा कि हमने आपको बताया कि रिस्क एपेटाइट इज़ इन अ वे इज़ दी कॉर्नर स्टोन इज़ दी फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हमने जब रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की जब हमने ईआरएम ERM की बात की तो उसमें एक चीज़ प्रज्यूम की गई थी कि रिस्क इज़ ऑलरेडी देयर हम रिस्क ले चुके हैं और हमने मजीद रिस्क को किस तरह मैनेज करना है और जो रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था उसमें जाहिर है आइडेंटिफिकेशन है उसमें असमेंट है उसमें मॉनिटरिंग है उसमें रिपोर्टिंग एंड डिस्कलोजर है और उसमें मिटिगेशन है उसमें रिस्क इन अ वे कॉमन था और प्रज्यूम था और टेक्न फॉर ग्रांटेड था जब हमने ये सारी बातें कहीं तो जरूरत इस चीज़ की महसूस हुई कि अगर हमने रिस्क के मुतालिक इस हद तक इस तफसील से इसकी मैनेजमेंट की बात की तो रिस्क एक्चुअली है क्या वो भी हमने आपको डिफ़ाइन किया लेकिन एक अदारे के हवाले से एक ऑर्गनाइजेशन के हवाले से कि रिस्क की जो एपीटाइट है जो रिस्क का जो प्रोफाइल है उसको किस तरह डिटर्मिन किया जाए तो जो रिस्क एपटाइट का कॉन्प्ट इसीलिए सामने आया और उस पर जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट अभी भी फॉर्मेटिव स्टेजेस पे है इसमें थ्योरी में और प्रैक्टिस में काफ़ी गैप्स हैं और ज़रूरत इस चीज़ की है कि जैसे जैसे इस पर मज़ीद काम हो रहा है मज़ीद रिसर्च हो रही है तो इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद रिफ़ाइन किया जाए और जो वक्त के तकाजे हैं उसी हवाले से इसके अंदर जो इनसाइट्स हैं इसके अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो एक चेंजिंग मार्केट कंडीशन हैं उनको किस तरह कैप्चर किया जाए तो इसको जब हम देखते हैं और रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं और रिस्क एपेटाइट की और हमने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि रिस्क एपेटाइट बेसिकली है क्या रिस्क एपेटाइट इन फैक्ट इज रिस्क एन ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू टेक इन परस्यूट ऑफ इट्स वैल्यू क्रिएशन या आप कह लें कि जो उसकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं उसको असूल के लिए रिस्क अपीटाइट का जानना ज़रूरी है और इस डेफिनेशन में हमने वजाहत की कि जब हम अमाउंट ऑफ रिस्क की बात करते हैं तो इन इट ये एक वो एरिया है जिसमें आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है उसको मेजर करना है क्वानिटिव और क्वालिटेटिव और जब हम विलिंगनेस टू टेक रिस्क की बात करते हैं तो एक इदारे के एक ऑर्गेनाइजेशन के जो कैपिलिटीज़ हैं जो उनके रिसोर्स हैं जो उनका सेटअप है जो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो एक तरह से फोकस में आ जाता है और फिर जहाँ हम वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं जब स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो फिर वो गोल्स आ जाते हैं कंपनी के उसके एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि वो किस लिए वो जो उसकी एक तरह से बिजन बिजनेस मिशन क्या है अगर आपको याद हो जो हमने आपको बिजनेस मॉडल में आपके साथ डिस्कस किया था कि तो वो उनके एक्चुअल गोल्स क्या हैं तो इस डेफिनेशन में ये तीन चीज़ों की वजाहत की गई और जब इसको हम इस हवाले से देखते हैं तो यह बात भी सामने आती है कि रिस्क एपिटाइट डेफिनेटली इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट इसकी जो इम्प्लीकेशन है इसकी जो सिग्निफिकेंस है उस डेफिनेशन के साथ साथ आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा फिर हमने आपको यह भी बताया कि जो रिस्क एपिटाइट स्टेटमेंट है हाउ इट लुक्स लाइक ये रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए है जो स्ट्रेटिक ऑब्जेक्टिव हैं उसके हवाले से फिर यह कि इसके अंदर ये होना चाहिए कि ये बोर्ड को से अप्रूवल होनी चाहिए विलिंगनेस टू टेक द रिस्क जो उसमें रिस्क की टॉलरेंस है जो रिस्क की आप थ्रेशोल्ड्स हैं उसको एक तरह से आइडेंटिफाई होना चाहिए और जाहिर है ये एक बिजनेस मॉडल के जो मुख्तलिफ कॉम्पोनेट्स हैं उनकी जो डायनिजम है उसको भी ये जो स्टेटमेंट कैप्चर करती है और आपको हमने ये भी बताया कि ये जब हम कहते हैं कि टू आर्टिकुलेट ए क्लियरली डिफाइंड रिस्क अपेटाइट स्टेटमेंट इट डज़ नॉट मीन कि हमने कोई एक स्टेटमेंट फॉरवर्ड में में इनकॉर्पोरेट करके उसको राइट डाउन करके हमने उसको एक तरह से फॉर्मल uh, फार्मलिटी formal, uh, पूरी करनी है बल्कि इसका मकसद ये है कि ये वो डॉक्यूमेंट्स है कि जिसकी सिग्निफिकेंस ना सिर्फ इसके कंटेंट्स के हवाले से है बल्कि इसकी कम्युनिकेशन के हवाले से है इसकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, से है कि जब तक रिस्क अपेटाइट स्टेटमेंट को जो सारे ऑलमोस्ट दटायर ऑर्गेनाइजेशन ओनली नॉट दोज पीपल हु आर एक्चुअली एंगेज इन रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस सारे इदारे को सारी ऑर्गेनाइजेशन को और ख़ास तौर में बैंकस में रिस्क अपेटाइट के हवाले से बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि डे टू डे बेसिस पे इसकी इम्प्लीमेंट हो सके और हमने जब इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात की तो उसमें इस, इस चीज़ को भी वाजह किया गया कि ये जो रिस्क अपेटाइट है इट्स ए सॉट ऑफ डायनामिक लिंक बिटवीन द स्ट्रेटी एंड द ऑपरेशनल एंड द टेक्निकल टेक्निकल टेक्टिकल डिसीजनस ऑफ दर्गनाइजेशन ये इस से अहम है और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि रिस्क अपेटाइट किस तरह फिटिंग होती है किस तरह ये एक तरह से अलाइन होती है जो हमने ई ERM के मुख्तफ स्टेजस आपके साथ डिस्कस किए थे तो इस चीज़ से जो रिस्क अपीटाइट की डेफिनेशन इसकी हाउ इट लुक्स लाइक हाउ इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ये कुछ चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं और आज इन हम मजीद इसमें कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वो जो एक बात शुरू में कही गई थी कि रिस्क एपेटाइट को समझने के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आप इसको मज़ीद इसकी इंसाइट को इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें और अपनी जो इफेक्टिवनेस है इसकी उसको मज़ीद बढ़ाया जाए तो इसको आगे बढ़ाते हुए और बिफोर वी डू डू दैट लेट मी फॉर अ वाइल रिकॉल व्हाट एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड विद यू शेयर्ड विद यू इन लेक्चर नंबर वन एंड लेक्चर नंबर ट्वेंटी और वो क्या था वो था लर्निंग प्रोसेस अगर आपको याद हो हमने आपको ये भी बताया था इसी उसमें कि लर्निंग प्रोसेस इज अ मल्टाई स्टेप्स मल्टाई डायमेंशनल प्रोसेस और हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर इंगेज हैं इस वक्त स्टडी में लर्निंग ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग तो हमने क्या इस स्टडी को उसी एक रूटीन के हवाले से फॉलो करना है क्या हमने सिर्फ ये देखना है कि ये एक वो कोर्स है जो हमारे एम बी ए प्रोग्राम में हमें ज़ाहिर हमने इलेक्टिवली लिया है और अल्टीमेटली हमारे डिग्री के असूल में ये इसको पास करना इसमें एक्स नंबर ऑफ़ ग्रेड्स लेना ले कर हम आगे बढ़ना है या बियॉन्ड उसके इस सब्जेक्ट की स्टडी के हवाले से लर्निंग के हवाले से हम किस हद तक अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपने लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना रहे हैं और अगर आपको याद हो उसमें हमने पहले लेक्चर में पोटर मॉडल का जिक्र किया था जिसके अंदर वही कॉन्सेप्ट था कि लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है डेटा से इंफॉर्मेशन से नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग से और फिर विजडम से और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू होता है और हमने लेक्चर नंबर ट्वेंटी में भी आपको एक एनोलॉजी आपके साथ शेयर की थी स्पीडोमीटर की कि जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है अगर उसको हम जहन में रखें तो उसके क्या फंक्शन हैं वो किस स्टेज पर आपको डेटा प्रोवाइड करता है किस स्टेज पर या किस तरह वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन देता है फिर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद उसकी विजडम जो है तो हम अब जब ये स्टडी कर रहे हैं अगेन कंज्यूमर बैंकिंग इन जर्नल और ये जो हमारा इसका टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट का इन पर्टिकुलर क्या हम उसको उस हवाले से भी देख रहे हैं या इसको हम एक रूटीन के तौर पर इसको आगे स्टडी कर रहे हैं इसको उस कॉन्टेक्स में देखने का मकसद ये है कि अगर इस वक्त हम रिस्क मैनेजमेंट की हमने बात की ई आर एम की हमने बात की और रिस्क एपेटाइट की बात की तो हम किस स्टेज पे हैं क्या अभी हम नॉलेज स्टेज हैं जहां हम हाउ की बात करते हैं कि हाउ इट इज टू बी डन या हम अंडरस्टैंडिंग स्टेज पे आ गए हैं जहां हम स्चन आंसर करते हैं कि वाई वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक वाई इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन आवर अंडरस्टैंडिंग ओवर द ओवरऑल आस्पेक्ट ऑफ द कंज्यूमर बिजनेस तो जब आप इस प्रोसेस को जहन में लाएंगे इस प्रोसेस को जहन में रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपकी ये जो स्टडी है ये जो आपकी एक तरह से जस्तजू है जो ये आपका सफ़र है इसके अंदर एक मकसदियत पैदा हो जाएगी इसके अंदर एक डायनामिज़म आ जाएगा और जाहिर है असल मकसद इस सारी स्टडी का सारे लर्निंग प्रोसेस का जैसा कि आपको शुरू में बताया गया है ये कि इट्स ए जर्नी और ये जर्निंग के हवाले से लर्निंग के हवाले से एक बड़ी फेमस कोट है जो अक्सर मेंशन की जाती है कि यू नेवर अराइव जर्नी इज़ द रिवार्ड इसलिए कि अगर आप मंजिल पर पहुंच गए और आप ये समझे कि आपकी मंजिल आ गई तो फिर तो लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट को इस स्पिरिट को सामने रखते हुए जस्तजु होनी चाहिए मजीद इल्म हासिल करने की मज़ीद इस नॉलेज को गेन करने की और उसमें अंडरस्टैंडिंग और विजडम को गेन करने की अब आइए हम रिस्क एपेटाइट के हवाले से इसमें मज़ीद एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इसमें थोड़ी मजीद अफेक्टिवनेस लाने के लिए इस कॉन्सेप्ट की डवेलपमेंट में हम जो अब आपके साथ शेयर करेंगे वो है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टवर्ड्स इस्टेब्लिशिंग ए रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट जब हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की बात करते हैं उसमें जाहिर है एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो सामने आता है कि इट हैज़ टू बी इन सर्टन स्टेप्स इन सर्टन स्टेजेस और जब इस स्ट्रक्चर को हम साथ लेके चलेंगे इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इसके अंदर ये जो रिस्क एपेटाइट का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर होपफुली और क्लैरिटी आएगी और इसके वो एरिया जिसमें एम्बूटीज थी या जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन रह गए थे हो सकता है उनको आंसर करने में मदद मिले तो इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के कॉन्टेक्स में पहला स्टेप है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिवस का जाहिर है कोई भी इदारा हो और हम जब कोई भी इदारे की रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हमें जहन में रखना चाहिए कि एट द बैक ऑफ आवर माइंड जो हमारा बैकग्राउंड में वो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उसमें जाहिर है रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट रिस्क एपेटाइट का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अहमियत का हामिल है तो जब हमने स्ट्रेटिक ऑब्जेक्टिव्स की बात की तो उसमें स्ट्रेटजिक ऑबजेक्टिव एक अदारे के आप मुख्तलिफर्सेज में पढ़ चुके हैं और जाहिर है आप बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं ये आपके लिए एक बहुत कॉमन और एक बहुत फेमिलियर टॉपिक है कि स्ट्रेटिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कोई तो भी अदारा हो उसके इस्ट्रेटिजिक ऑबजेक्टिव जो होते हैं वो मार्केट शेयर हो सकता है वो तो आप कह लें कि रेपुटेशन हो सकती है रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है प्रोफिटिबिलिटी ग्रोथ हो सकती है स्टेबिलिटी का एक जो टारगेट है जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है या उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स की रिटर्न की हम बात करते हैं तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या है तो जब हम ऑब्जेक्टिवस की बात करते हैं तो जब हम ऑब्जेक्टिवस को जेन में आते हैं तो एक लाजमन सवाल उठता है कि ये ऑबजेक्टिवस कहाँ से आते हैं दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द थिन एयर और उसमें फिर जो दूसरा अहम एक तरह से जो कॉन्सेप्ट सामने आता है कि दीज ऑब्जेक्टिव्स आर एक्चुअली ड्रिवन बाई दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं एक अदारे के जिसमें इंटरनल भी होते हैं एक्सटर्नल भी होते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्चुअली ड्राइव करती हैं इन ऑब्जेक्टिवस को अब साथ ये भी जाहिर है बताना ज़रूरी है और आप लोग जानते हैं स्टेक होल्डर्स किसी ऑर्गनाइजेशन के किसी कंपनी के इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं और उसी हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशंस वेरी करती हैं डिफर करती हैं जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं जाहिर है उसके अंदर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आपकी आप कह लें कि शेयर होल्डर्स हैं आप ये कह लें कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपकी सीनियर मैनेजमेंट है और अगर हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की बात करें तो उसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसके अंदर आम इन्वेस्टर्स हैं उसके साथ साथ रेटिंग एजेंसीज हैं और कस्टमर्स भी हैं कस्टमर्स बहुत इम्पॉटेंट हर लिहाज से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं जब हम इन स्टेक होल्डर्स पर नज़र डालते हैं और इनकी एक्सपेक्टेशन को देखते हैं तो एक चीज़ सामने आती है कि इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़ाहिर है एक जैसी नहीं हो सकती बल्कि एट टाइम्स वो कम्पीट कर रही होती हैं वो वेरी कर रही होती हैं और रिस्क एपेटाइट में जो पहला स्टेप है हमने इन एक्सपेक्टेशंस को एक तरह से बैलेंस करना है इसके अंदर बैलेंस ड्राइव करना है ताकि हमें यह पता चल सके कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से अल्टीमेटली इदारे ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने गोल्स को अचीव करना है अगर हमने उसको बैलेंस नहीं किया और उसके अंदर बैलेंस हमने एक तरह से ड्राइव नहीं किया तो लॉफ्ट साइड अप्रोच हो जाएगी और उसमें हो सकता है फिर जो मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन्स आपने एक तरह से अकाउंट फॉर नहीं की हैं वो एक तरह से डिस एल्यूजेंड हो जाएंगे वो एक तरह से आ, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो उसके कंपनी के मतलब चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हों उनकी लैक ऑफ फुलफ़िलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन मे लीड टू समर्स कॉन्सिक्वेंसिस फॉर दर्गनाइजेशन तो जब हम इस बैलेंस की बात करते हैं और इसकी मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं कि एक जो इन्वेस्टर है जो शेयर होल्डर है वो एक्सपेक्ट करता है उसको बेहतर रिटर्न मिले एक लॉजिकल सा ज़ाहिर है कंसर्न uh, है लॉजिकल सी एक्सपेक्टेशन है उसके बरक्स ये एक रेटिंग एजेंसी है वो चाहेगी कि इस इदारे का जो सॉल्वेंसी है वो उसकी इनफैक्ट uh, वो होनी चाहिए उनकी नज़र उनका फोकस एक तरह से उसकी सॉल्वेंसी पर होगा तो यहाँ जब हमने ये मिसाल दी तो उससे ये चीज़ सामने आई कि किस हद तक एक्सपेक्टेशंस वेरी कर सकती हैं या हम अगर रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें अगर पाकिस्तान का कॉन्टैक्स लें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या एस ई सी पी जो ख़ास तौर पर फाइनेंशियल सेक्टर बैंकिंग सेक्टर को एक तरह से ओवर सी करता है उसकी जाहिर है एक्सपेक्टेशन क्या हैं एज एन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ज़ाहिर है वो चाहेंगे कि बैंक सॉलवेंट हो बैंक खास तौर पर जो पब्लिक के इदारे हैं पब्लिक के एक तरह से ये इंट्रस्ट किया गया है इनको अमीन है इनके डिपॉजिट्स के इनकी वेल्थ के और उनके मुख्तलिफ उसके तो इसको किस तरह उस हवाले से तो सोलवेंसी की उसकी ऑन गोइंग बेसिस पे उनकी सर्वाइल सर्वाइवल की और हम उनकी ग्रोथ की बात करते हैं तो ये मिसाल इससे सामने आती है इसके साथ साथ एक और मिसाल देख के हम वाजह करें कि जो एक्सपेक्टेशन होती हैं मुख्तलफ़ स्टेक होल्डर्स की वो लॉन्ग टर्म भी होती हैं और शॉर्ट टर्म भी होती हैं इसमें भी आपने एक बैलेंस ड्राइव करना है क्योंकि आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म्स एक्सपेक्टेशंस को ही नहीं अकाउंटफॉर करना बल्कि लॉन्गर टर्म्स जिसके अंदर अल्टीमेट ग्रोथ है मार्केट शेयर है या आप कह लें कि और जो एक सोलवेंसी के स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं इसमें अगर हम ये आपको बताएं या ये आपको कहें कि जब हम जो कि बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है या कॉमन नॉलेज है या कॉमन एग्जाम्पल है वो ये कि जब एक इदारा ये कहता है कि जी हम अपने रिटर्न को टारगेट कर रहे हैं अगले साल के लिए डबल करना ये टोटल शेयर होल्डर रिटर्न की बात हो रही है टी एस आर जिसको हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर उनका ये टारगेट है कि अगले साल ये रिटर्न डबल होने चाहिए तो जब हम हायर रिटर्न्स का प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो फिर लाजमन ये चीज भी क्वेश्चन उठता है कि हमें इसके लिए एडिशनल रिस्क लेने पड़ेंगे रिस्क नेचर क्या होगी रिस्क का क्वांटम क्या होगा तो इसलिए जब शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशंस के हवाले से रिटर्न के हवाले से जब हमने ये बात की तो उसका एक लॉजिकल मैसेज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी जाएगा रेगुलेटर्स को भी जाएगा रेटिंग एजेंसीज को भी जाएगा कि ये इदारा जो हायर रिटर्नस एंटिसपेट कर रहा है प्रोजेक्ट कर रहा है इसके लिए दे आर टेकिंग हायर रिस्क तो वो जो इनको ये मैसेज जाएगा तो इसलिए अब जब हम कंपटीशन की बात करते हैं और कंपटीशन में हम ये कहते हैं कि हमने एज़ कंपेयर टू अवर प्लेयर्स हमने हायर रिटर्न एक तरह से प्रोजेक्ट किया है हमने हायर रिटर्न अचे अटेन करना है अचीव करना है लेकिन इसके साथ साथ ये मैसेज भी जाता है कि क्या जब हम ये बात करेंगे इसके लिए एफर्ट्स करेंगे तो हम हायर रिस्क की तरफ भी जाएंगे तो ये आपका दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी मैसेज जाएगा कि रिस्क का जो प्रोफाइल है रिस्क की अपेटाइट है उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो प्रोसेस है रिस्क अपेटाइट स्टेटमेंट का ये बड़ा डायनेमिक प्रोसेस है ये बड़ा एक इवॉल्विंग प्रोसेस है आप इसको एक दफ़ा फ़िक्स करके जाहिर है ये नहीं है कि सारा काम ख़त्म हो गया इसको आपने रेगुलर बेसिस पे पेरियोडिक बेसिस पे इसको आपने रिविज़िट करना है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सरकमस्टांसिस मार्केट कंडीशनस एंड अदर डाइनेमिक्स तो इस मिसाल के बाद अब सवाल ये उठता है कि जब हमने एक्सपेक्टेशन की बात की स्टेक होल्डर्स की जो कि ड्राइव करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को तो उसके बाद इससे अगला जो एक्सटेंशन है वो इस अदारे के बिज़नेस प्लान हैं और उनके जो कैपिटल मैनेजमेंट प्लान हैं दीज़ आर इन अ वे एक्सटेंशन टू बिजनेस ऑबजेक्टिव आपने यकीन मुख्तलफ़ कोर्सिस में एज ए बिज़नेस स्टूडेंट के ज़रूर पढ़ा होगा कि जो बिज़नेस प्लान होते हैं और जो कैपिटल मैनेजमेंट प्लान्स खास तौर पर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में उनकी क्या अहमियत है वो किस तरह डिवाइज होते हैं हम जाहिर है उनकी तफसीत में नहीं जाएँगे सिर्फ यहाँ ये कहना काफ़ी है कि दीज आर दीज प्लान्स दीज डॉक्यूमेंट्स आर इन अ वे द एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रेटिकब्जेक्टिवस और इन दोनों प्लान्स को मद्देनजर रखते हुए अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो नेक्स्ट स्टेज है इस स्ट्रक्चर अप्रोच का वो शुरू होता है और इसमें हमने जो रिस्क प्रोफाइल है इदारे का उसको अलाइन करना है आपके बिज़नेस प्लान के साथ और आपके जो दूसरे जो है कैपिटल मैनेजमेंट प्लान हैं अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट जाहिर है सारी बिजनेस में और ओवरऑल आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम अगर बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस से हट के हमेशा की बात करते हैं हम ऑपरेशन की बात करते हैं हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें अगर आपने मुख्तलिफ कोर्सेज में पढ़ा होगा कि अलाइनमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू हैव टू अलाइन रिसोसिस की अलाइनमेंट की बात हो रही है अगर एच आर की हम बात कर रहे हैं तो एच आर की पॉलिसीज शुड बी अलाइन विद द बिजनेस एंड स्ट्रेटिजिक पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ जो हम अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं ये जो रिस्क प्रोफाइल है कंपनी का जो मौजूदा है और जो आने वाला है वो किस हद तक आपके बिजनेस प्लान के साथ किस हद तक आपके कैपिटल मैनेजमेंट प्लान के साथ अलाइंट है और जब इस अलाइनमेंट की हम बात करते हैं तो जी सामने आती है कि पहला आपने अपना रिस्क प्रोफाइल आइडेंटिफाई करना है कि इदारे का रिस्क प्रोफाइल क्या है किस हद तक कहाँ आप खड़े हैं कहाँ आपने जाना है और ये जो रिस्क प्रोफाइल है ये अहमियत का हामिल है उसके बाद आपने एग्रीगेट रिस्क को मेजर करना है कि आपका एक्चुअली रिस्क कैपेसिटी के हवाले से आपका एग्रीगेट रिस्क क्या है जहाँ हमने मेजरमेंट की बात की थी कि क्वान्टिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स वो आपको ये बताएंगे कि एग्रीगेट रिस्क और उसमें जो बफर का कॉन्सेप्ट है कि अगर कैपेसिटी है और एपेटाइट है उसके अंदर कितना बफर है कितना मार्जिन है ये चीज़ आपको यहाँ वाजे करने की ज़रूरत है जो कि इन अ वे आपको अलाइनमेंट प्रोवाइड करेगी आपके बिज़नेस और कैपिटल मैनेजमेंट प्लान के साथ साथ उसके अंदर जाहिर है रिस्क कैपेसिटी की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और फिर आपको जो कैपिटल आउटलेट इसके लिए चाहिए होगा जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको इसके अंदर डिटरमिन करनी होगी और ख़ास तौर पे बैंकिंग में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में तो कैपिटल का कॉन्सेप्ट वैसे भी बहुत अहम है और उसकी आगे चल के इनशाला इसी इसमें हम इकनॉमिक कैपिटल की बात करेंगे और इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी सी उसकी वजाहत करेंगे क्योंकि दैट एक्चुअली इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद दी कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इकोनॉमिक कैपिटल तो जहाँ हमने ये बात की अलाइनमेंट की तो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात है उसके बाद हमने जो इसी स्टेप में जो आइडेंटिफाई करना है ज़ीरो टॉलरेंस रिस्क एक्सपोजर जीरो टॉलरेंस रिस्क एक्सपोजर्स क्या हैं देखिए इसमें कुछ एक्सपोजर्स ऐसे हैं जिसमें आपकी टॉलरेंस नील होती है लाइक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स या रेपोटेशन के हवाले से भी कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ रिस्क लें और चांस पे चीज़ को रख के आए जीरो टॉलरेंस होगी हम बात करते हैं जब गुड गवर्नेंस की बात होती है तो यह आजकल एक टर्म यूज होती है कि फॉर मैनी कंपनीज स्पेशली इन द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर देयर इज ए जीरो टॉलरेंस फॉर नॉट हैविंग ए गुड गवर्नेंस ये जो जीरो टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ रिस्क के हवाले से भी है कि कौन से एरियाज हैं जिसके अंदर आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना जब ये स्टेप हो जाता है तो उसके बाद जो तीसरा स्टेप है आप देखेंगे वो है आपने रिस्क टॉलरेंस और रिस्क थ्रेश को डिटर्मिन करना है क्योंकि जब रिस्क एपेटाइट की बात हुई इतनी तफसील में पहले स्टेज पर दूसरे स्टेज पर तो जरूरत अब इस चीज़ की सामने आती है कि हम वो थ्रेश वो टॉलरेंस लेवल्स डिवाइड करें कि तो जब एक वक्त में ब्रीच हो रहे जा रहे होंगे तो क्या उसकी वजह से आपने एक टाइमली या प्रो एक्टिव एक्शन लेना है यहाँ पर जो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएगी वो होगी रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए कि जब हम रिपोर्टिंग की और मॉनिटरिंग की बात करते हैं और ख़ास तौर पर रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में ये चीज़ सामने आई है कि पहले रिपोर्टिंग जो होती थी बैंकों के अंदर इदारों में इट वॉज कंसिडर्ड ए वेरी रूटीन अफेयर उसमें यह था कि जी आपने कुछ पीरियडिकल रिटर्न जो हैं वो रेगुलेटरी बॉडीज को सबमिट करनी है अगर जो ब्रांचेज हैं या जो रीजनस हैं उन्हें अपने हेड ऑफिस को सबमिट करनी है तो इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ वेरी पैस पैसिव प्रोसेस जिसके अंदर कोई डाइनिज़म नहीं था जिसके अंदर कोई प्रो एक्टिवनेस नहीं थी अब रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स में रिपोर्टिंग और हमने ई आर एम में आपको बताया था कि किस हद तक रिपोर्टिंग इंटरनली और एक्सटर्नल डिस्कलोजर इंपॉर्टेंट हो गए हैं और उसकी क्या अहमियत है तो यहाँ पर जरूरत इस चीज़ की है कि जब हम रिस्क टॉलरेंस की और रिस्क थ्रेशल्स की बात करते हैं तो मॉनिटरिंग और टॉलरेंस का जो ये एरिया है इसको भी कवर किया जाए और ये चीज़ें मेजरेबल होनी चाहिए खास तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि ये क्वांटिफाइड होनी चाहिए ताकि ये आपको इस चीज़ का पता चल सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और थ्रेश ब्रीच हो रहे हैं या नहीं और जब ये तीसरा स्टेप आप कर लेते हैं तो आखिरी स्टेप एक लॉजिकल है दैट नेक्स्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेशन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जिस तरह आप ये कह लें कि जो मैनुअल होता है इट शुड बी इन अ रिटर्न फॉर्म इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल दी रेलिवेंट ऑल बिजनेस यूनिट्स सब बिजनेस यूनिट्स और जो आप कह लें कि जो के अंदर इन्वॉल्व हैं क्योंकि इसकी अवेयरनेस इसकी अंडरस्टैंडिंग इसकी इफेक्टिवनेस उसी वक्त डेवलप हो सकती है कि जब ऑल कंसर्न इस चीज़ से अवेयर हैं उनके सामने रिटर्न फॉर्म में है और उनको पता है कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसको किस तरह फॉलो करना है और इसके अंदर जो अथॉरिटीज हैं डेलीगेशन हैं वो क्या है वो भी हम जाहिर है आगे चल के थोड़ा सा मुख्तसरा आपके साथ जिक्र करेंगे तो जब अब आप, आप देखते हैं कि ये जो चार स्टेप का जो प्रोसेस है डिवेलप करने के लिए अगेन दैट हैज टू बी मैंशन कि ये जो चार स्टेप का प्रोसेस ये कोई आइडियल प्रोसेस नहीं है ये एक सजेस्टिव प्रोसेस है और हमने आपको जैसे बताया कि वो कंपनीज वो इदारे जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है जो कि अथॉरिटी समझे जाते हैं ये एक तरह से उनकी एक्सपीरियंस का विद वेरियस क्लाइंट्स इंगेजमेंट ये एक तरह से उसका निचोड़ है उन्होंने जाहिर है जो मुख्तलिफ बैंकिंग के और फाइनेंशल सेक्टर के इदारों के साथ क्लाइंट इंगेजमेंट्स किए कंसल्टेंसी के एडवाइज़री कैपेसिटी में तो उसके बाद जो उन्होंने एक तरह से फिर ये शेयर किया और ये बताया कि मुख्तलिफ अदारों में जो कॉमन चीज़ें थी रिस्क एपेटाइट को डेवलप करने के लिए वो क्या थी और ये चार एक तरह से सजेस्टिव आप स्टेप्स हमारे सामने आए इसके अंदर ज़ाहिर है आने वाले वक्त के साथ तब्दीलियाँ भी आएंगी इम्प्रूवमेंट भी आएंगी और जब हमने इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की बात की तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो रस्क अपेटाइट है इसको अगर हम समरइज़ करें कि इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं कॉम्पोनेंट्स तो पहला तो जो है क्वानटिव है क्वांटिटिव की जब हम बात करते हैं तो उसमें वही है कि वो मेजर्स जो कि आप क्वांटिफाई कर सकते हैं और इसमें जो है एक तरह से आप कह लें कि वॉलिटिलिटी ऑफ दी अर्निंग्स वो भी क्वालिटिटिव है और आप उसको कर सकते हैं उसकी मिसाल दी जा सकती है इसको कैप्चर किया जाता है उसके बाद जब हम क्वांटिटिव की ये हमने बात की जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं कि तो वो एरिया जिसको आप एक तरह से क्वांटिफाई या मेजर नहीं कर सकते उसमें रेपूटेशनल रिस्क आ जाता है और इसमें इस किस्म के इश्यूज आ जाते हैं कि जो स्ट्रेटिजिक आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते और उसके बाद जो तीसरा है वो है जीरो टॉलरेंस ज़ीरो टॉलरेंस हमने आपको जैसे बता दिया कि ये वो एरिया है जिसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है रिस्क लेने की और आपने जाहिर है इसके अंदर पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें ख़ासतौर तो पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो जब हम ये तीन की कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं तो इन अ वे दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ समरी फॉर द रिस्क अपेटाइट स्टेटमेंट के जी ये इस तरह होती है और इसके बाद आइए अब हम ये देखते हैं कि रिस्क स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं इसके अंदर कि इसका लिंकेज क्या है आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखने की है कि बैंक का जो या फाइनेंशियल अदारा है या कोई और अदारा है इसमें जो परफॉर्मेंस के मैट्रिस हैं उसकी रिस्क एपेटाइट के साथ लिंकेज क्या है जैसे कि आप देख रहे हैं ये चीज ज़ाहिर है स्टार्ट होती है फ्रॉम द टॉप यू हैव टू फर्स्ट डिटर्मिन यू हैव टू फर्स्ट इन अ वे आर्टिकुलेट वट आर द परफॉर्मेंस मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क ई आर एम फ्रेमवर्क उसके बाद ये कैसकेट डाउन होती है कि बिज़नेस यूनिट लेवल पर जाती है ये बोर्ड इसको अप्रूव ज़ाहिर कर चुका होता है और ये नीचे आती है और फिर ये इंडिविजुअल लेवल पर आती है तो इस आप प्रोसेस को जब देखेंगे तो ये चीज़ सामने आती है कि जो परफॉर्मेंसेस हैं चाहे वो इंडिविजुअल की हों चाहे वो यूनिट्स की हों या सब यूनिट्स की हों इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड रिस्क मैट और इसलिए जाहिर है इसकी ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर आप परफॉर्मेंस को रिस्क की उसके साथ लिंक नहीं करेंगे तो ये देखा गया है कि इसके अंदर फिर खराबियाँ जो कि पिछले टर्मोइल में सामने आई वो यही थी कि लोग जो फाइनेंशियल एक तरह से गेंस करते थे उसके अंदर रिस्क फैक्टर को एक तरह से अकाउंट फॉर नहीं किया जाता था और होता यह था कि एक फाइनेंशियल गेंस आपने हासिल की आपने प्रोफिटेबिलिटी का टारगेट पूरा कर लिया या आपने बिजनेस का टारगेट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स अचीव कर लिया लेकिन इसमें आपने जो चीज़ इग्नोर की वो थी रिस्क फैक्टर्स रिस्क प्रोफाइल रिस्क एपेटाइट या रिस्क कैपेसिटी के दरमियान जो बफर है और ये जिम्मेदारी किसी और लोगों पे चली गई एक तरह से किसी और के कंधों पर चली गई और इसी ने अल्टीमेटली खराबी पैदा की तो इस हवाले से ज़रूरत इस चीज़ की है कि रिस्क मेजरमेंट को इस तरह से आर्टोकुलेट किया जाए इस तरह से उसको फॉर्मुलेट किया जाए कि लोगों को पता हो कि जो वो अगर रिस्क ले के फाइनेशियल उसको कर रहे हैं और जहाँ कॉन्सेप्ट है रिस्क एंड रिवार्ड ट्रेड ऑफ्स का यकीन बिजनेस रिस्क एंड रिवाड ट्रेड ऑफ्स के ऊपर बेस करती है लेकिन सिर्फ ट्रेड ऑफ्स को अचीव करना ही काफ़ी नहीं है बल्कि इसका समझना भी ज़रूरी है कि ये जो आप ट्रेड ऑफ्स अचीव कर रहे हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि ये किस तरह आए हैं इसकी डाइनमिज़म क्या है इसका इम्पैक्ट ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल पे किस तरह आ सकता है जब ये सब हम बात कर लेते हैं तो उसके बाद ये चीज़ें रिलेट हो जाती हैं रिस्क कल्चर के साथ इसलिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको याद हो तो हमने रिस्क मैनेजमेंट का ये जो टॉपिक जो सब्जेक्ट शुरू किया था उसके अंदर हमने उस लेक्चर में आपको बताया था कि रिस्क कल्चर हैज़ टू तो बी डिवेलप थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन दौर्ग दौर्ग हर लेवल पे जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं जो उनको आपने इंसेंटिव दिए हैं जो जो उनका एक तरह से कंपनसेशन पैकेज है उसके अंदर रिस्क का एलिमेंट कम्प्लीटली इन और अकाउंट फॉर होना चाहिए ताकि लोग ये ना फील करें कि भाई ये जो हमने काम किया रिस्क किसी और की कि जिम्मेदारी है ये तो कम्प्लाइंस फंक्शन है और और लोग इसका एक तरह से दे विल टेक केयर ऑफ दैट तो यहाँ इस चीज़ की जरूरत जब महसूस होती है रिस्क कल्चर की तो फिर ज़ाहिर है जो चीज़ सामने आती है वो यही है कि आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इस तरह डेवलप करना है कि आपका जो रिस्क कल्चर है वो डेवलप हो सके लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि वो जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर रिस्क का एलिमेंट क्या है और वो किस हद तक इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं इसलिए कि वाइल्ड डिस रिगार्डिंग द रिस्क आस्पेक्ट एंड अचीविंग योर फाइनेंशियल टारगेट्स विल नॉट बी हेल्पफुल एंड इस्पेशली इस, इस कॉन्टेक्स्ट में तो जो बैंकिंग के और जो फाइनेंस के इदारे हैं उनके सामने जब ये चीज़ आती है तो उसमें और तो ज़्यादा ये चीज़ अहमियत की हामिल हो जाती है तो जब हम ये सब चीज़ों को देखते हैं तो ये चीज़ सामने आती है कि रिस्क कल्चर का जो बेस है एक तरह से जब हम बात करते हैं ईआरएम ERM आर की या रिस्क एपेटाइट की इट हैज़ ए डायरेक्ट लिंक विद परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और जा है अल्टीमेटली इदारे जो हैं वो अफराद से बनते हैं इंडिविजुअल से बनते हैं तो ज़रूरत तो इस चीज़ की है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का डायनमिज़म है लोगों के हवाले से यूनिट्स के हवाले से ग्रुप्स के हवाले से टीम्स के हवाले से उसके अंदर परफॉर्मेंस क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मैट्रिस और इसके अंदर जो जाहिर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरटीज़ है या ये है कि अगर ब्रिचेज हो रहे हैं थ्रेश के उसको किस तरह मोनिटर करना है उसको आपने किस तरह रिपोर्टिंग करनी है और उसको किस तरह आपने एक्शन में लाना है जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो उस वक्त फिर किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि वो इदारा रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से आप अगले स्टेप की तरफ आ, आ चुका है या उनके यहाँ जो रिस्क कल्चर डेवलप हो चुका है वो हेल्दी रिस्क कल्चर है और उसको किसी किस्म के सरप्राइजेस उनके पास नहीं होते तो जब हम इन चीज़ों को सामने रखते हैं तो उसके बाद ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम रिस्क एपेटाइट को किस तरह अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करें इसको अपनी डे टू डे उसके अंदर जो बिज़नेस डिस्कशनज हैं उसके अंदर लेके आए ये यह यहाँ जो हमने आपके साथ शेयर किया ये एक स्टडी है और जो जिसके ऊपर ये सारा मटेरियल बेस्ड है एक बहुत मशहूर ग्लोबली एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म है उसकी स्टडी है उनके मुताबिक वो जैसे कहते हैं कि जो रिस्क एपेटाइट इज द फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तो ये उनका जो क्लेम कह लें आप कह लें या उनका ओपिनियन है ये एक अहमियत का हामिल हो जाता है कि ये एक फाउंडेशन है और इस फाउंडेशन के तहत और में जो सिस्टम्स डेवलप होता है उसके फिर उन्होंने कहा कि वो बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स क्या हैं उनके मुताबिक इट अनलॉक्स वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन जो वैल्यू का मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप इनकेश कर सकते हैं जिसको आप डे टू बेसिस पे इम्प्लीमेंट करके आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं उसके अंदर क्लैरिटी आ जाती है इसमें स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने कहा कि जो बिजनेस डिसीजनस हैं और आपके जो स्ट्रेटेजिक डिसजन हैं वो आपस में लिंक हो सकते हैं इसमें फिर आपको जो अनप्लेजेंट सरप्राइजेज हैं वो आपके सामने नहीं आते बल्कि आप थ्रेश की हवाले से टॉलरेंसिस के हवाले से यू आर प्रोएक्टिवली मैनेजिंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी इसके बाद एक और जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि क्लियर कम्युनिकेशन हो जाती है जो एक्सटर्नल आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये मैसेज जा रहा होता है कि आप किस तरह अपने रिस्क को मैनेज कर रहे होते हैं उसमें एलिमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है और उसके अंदर काउंटर जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत वाजे हो जाता है और आपके जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी पता होता है कि वेयर दे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल एंड रिस्क मैनेजमेंट तो जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो उसके बाद जो एक और बेनिफिट है जो कि बहुत अहम है और ख़ास तौर में इसकी जो इम्प्लीकेशन है इसकी जो एप्लीकेशन है वो बैंकिंग और फाइनेंस फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत अहम है वो ये है कि वेल आर्टिकुलेटेड रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट

और ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर में देखा गया है कि लोग कंजर्वेटिव होते हैं दे से कि वी डोंट वांट टू टेक एक्स्ट्रा रिस्क सो दैट वी दे अवॉइड सॉर्ट ऑफ लॉसेस विच में कम बिकॉज ऑफ टेकिंग दैट रिस्क लेकिन अगर आपने प्रॉपरली आर्टिकुलेट की हुई है रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट आपका जो रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क वो अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है तो उस वक्त आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आम हालात में इनकी एब्सेंस में जो कि रिजेक्ट हो सकती हैं या इग्नोर हो सकती हैं या ओवर हो सकती हैं वो तो फिर आपको उसका बेनिफिट होगा कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को एज कंपेयर टू योर पेयर्स और इन दान्टस्ट ऑफ़ योर कम्पटिशन आप उसको बेहतर तौर पर लेवरेज कर सकते हैं आप बेहतर तौर पर उसको एक तरह से एक्सप्लॉयट कर सकते हैं तो इसका जो रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट की क्लैरिटी का एक जो अहमियत जो बेनिफिट ये सामने आती है कि यू इंक्रीज योर कैपेसिटी टू टेक द रिस्क विच नॉर्मली मे नॉट बी अंडरटेकिंग इफ देयर इज ए शॉर्ट ऑफ गैप इन दंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क स्टेटमेंट इसके साथ साथ इसका एक और बेनिफिट है वो भी ये है कि आपका जो शार्पर फोकस है जो इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग है वो सामने आती है इसके अंदर जो हमने आपको की रिस्क इंडिकेटर्स के हवाले से बात की थी कि अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं कोई सरप्राइजेस नहीं आते और आप इस पोजिशन में होते हैं कि जो मार्किट के अंदर चेंजेज आ रही हैं जो इसके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं अगर आपको याद हो हमने एक ओवरऑल रिस्क इन्वायरमेंट के लैंडस्केप की बात की थी जिसके अंदर एक्सटर्नल इन्वामेंट इंटरनल इन्वामेंट और दूसरे फैक्टर्स होते हैं तो उसमें फिर आपको इस चीज़ की एक तरह से एडवांटेज मिलती है कि आप उस चीज़ को प्रोएक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिटर्मिन कर सकते हैं और उसी के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ में रिविजन ला सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं अब अगर हम रिस्क अपेटाइट की इस कॉन्सेप्ट को एक तरह से समराइज करते हुए ये देखें कि रिस्क अपेटाइट का कॉन्सेप्ट जो है दिस इज एज हैज बीन टोल्ड बिफोर एट द हार्ट एट द फाउंडेशन और बेस ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप इसको सामने रखें तो ये चीज़ सामने आती है कि इसका ताल्लुक कंप्लाइंस के साथ भी है इसका ताल्लुक वैल्यू क्रिएशन के साथ भी है इसका ताल्लुक एज रिस्क मैनेजमेंट के साथ भी है और फिर इसमें जो एंटरप्राइज की जो डिसीजनिंग है उसमें भी इसका अहम किरदार है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स को एक तरह से फॉलो करना है कौन से प्रोजेक्ट्स को आपने रिजेक्ट करना है कौन का आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर लॉसेस का कितना अंदेशा है जिसको आपने क्वान्टिफाई कर लिया है या कर लिया क्या वो लॉसिस आप ले सकते हैं नहीं इसके साथ साथ बिजनेस की कॉन्सेप्ट है कि जो कौन से बिज़नेस में आपने जाना है उसमें किस किस्म के रिस्क इन्वॉल्व हैं किस किस्म के लॉसेज हो सकते हैं वो कौन से एरियाज़ हैं वो कौन से रिस्क हैं जो आपको प्रिवेंट करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जब हम इस एक तरह से फ्रेमवर्क को देखते हैं जब हम ये देखते हैं कि रिस्क एपेटाइट इज हार्ट एट सेंटर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें इसको हम थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिनारियो है पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं उसको देखने की जरूरत है कि वो किस तरह इशू ऑफ ई आर एम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट या जो रिस्क अपेटाइट उसके साथ साथ उसको किस तरह इस चैलेंजेस को ये वो पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ये देखें कि अभी इस हवाले से हमारे पास जो लिटरेचर अवेलेबल है जो डॉक्यूमेंटेशन है या फुल डिस्क्लोजर की जब हम बात करते हैं अनफॉर्चुनेटली उसकी जो अवेलेबलिटी है वो उस एक्सटेंट पे नहीं है कि आप मुख्तलफ़ बैंकों की पॉलिसीज़ को ई के हवाले से रिस्क एपेटाइट के हवाले से देख सकें लेकिन अगर आप पाकिस्तानी बैंक्स जिसमें फॉरेन बैंक्स भी शामिल हैं इसमें नए प्राइवेट बैंक्स भी शामिल हैं और इसमें बिग फाइव बैंक्स भी शामिल हैं थोड़ी देर के लिए आप इनकी पॉलिसीज़ पे अगर ओवरऑल एज ए जनरल पब्लिक नज़र डालें तो कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिन कर सकते हैं पहली चीज़ ये है कि जो स्मॉलर बैंक्स हैं उनका जो चैलेंज है इस वक्त वो ये है कि दे वॉन्ट टू हैव मार्केट शेयर फ्रॉम द बिगर फाइव बैंक्स क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं तो जो बिग फाइव बैंक्स हैं दे आर हैविंग द मेजर मार्केट शेयर अब जो नए छोटे बैंक्स जो आ रहे हैं उनकी कोशिश ये है कि वो कितना मैक्सिमम मार्केट शेयर इन बैंकों से ले सकते हैं जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है ब्रांचेस का जिनके पास रिसोर्स भी ज़्यादा हैं जिनकी कस्टमर बेस भी बहुत वाइड है तो जब इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं तो इनके लिए जो चैलेंज सामने आता है जरूरत इस चीज़ की है कि इस चैलेंजेस को इस टारगेट को इस ऑब्जेक्टिव को इस गोल को रिस्क के तनाजर में देखा जाए कि जब अगर वो ये कहते हैं कि हमने मार्केट शेयर लेना है तो वो किस किस्म के रिस्क ले रहे होंगे जरूरत इस चीज़ की है कि यहाँ पर रिस्क एपेटाइट का कौन, जो कॉन्सेप्ट है और जो रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो किस हद तक क्लियर है और जाहिर है अवेलेबिलिटी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की एपसेंस में ये चीज़ ज़रा मुश्किल होती है लेकिन ये एक सवाल उठता है और हमारे आपके लिए एक तरह से स्टडी का ये एक तरह से बेस बनती है कि हम इसको देखें या इसके साथ साथ अगर आप देखें कि पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ बड़े हाई प्रोफाइल मर्जर्स हुए थे जिसमें कुछ पाकिस्तानी बैंक्स को फॉरेन बैंक्स ने एक तरह से एक्वायर किया था वो उसमें मर्ज हो गए थे तो, तो यहाँ ये सवाल उठता है क्या वो फॉरेन बैंक्स जो कि जिनकी एक अपनी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग थी वो किस हवाले से उन्होंने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया कि पाकिस्तान में आके वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें पाकिस्तान के कुछ बैंक को अक्वायर करें उनके नज़दीक यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव थे और यहाँ पर ज़रूरी है कि उनके यहाँ जो आर्टिकुलेशन थी रिस्क प्रोफाइल की रिस्क एपेटाइट की वो क्या थी कि उन्होंने पाकिस्तानी मार्केट में इस चीज़ को देखा ये जो एग्ज़ाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं पाकिस्तानी बैंक के या कोर्ट कर रहे हैं इसका मकसद यही है कि हम अपनी स्टडी को रिलेट करें पाकिस्तानी सुनारियों में और अल्टीमेटली हमारी कोशिश भी यही है और हमने पिछले भी कुछ लेक्चर्स में आपको बताया कि जब तक हम लोकल सिचुएशन से अपनी इस बैंकिंग स्टडी को कंज्यूमर बैंकिंग स्टडी को रिलेट नहीं करेंगे तो वो इन अ वे गैप रह जाएगा और कल को जब ज़रूरत इस चीज़ के महसूस आए आएगी या पेश आएगी कि हमने बैंक के कंडीशंस को पाकिस्तान में किस हद तक अंडरस्टैंड किया है बैंकिंग इंडस्ट्री के डायनामिक्स को किस हद तक समझा है तो उस वक्त अगर यहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग में किसी किस्म की कमी है या गैप है तो वो ज़ाहिर है फिर उसके अंदर हमें प्रॉब्लम होगी तो जब हम पाकिस्तानी बैंक्स की मिसाल देते हैं तो उसके बाद एक चीज़ जो हम इन अगले लेक्चर में आपके साथ ज़रा तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और उसका एप्लीकेशन इन अ वे पाकिस्तान पर भी होगा वो है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ने एक बहुत कॉम्प्रीहसव स्टडी की है एशियन बैंक्स की जिसमें उन्होंने पाँच या छः कंट्रीज़ को एक तरह से शामिल किया है जिसमें जो एडवास्ड इनोवे कंट्रीज़ हैं वो सिंगापुर और हॉन्ग की हैं और उसके बाद मलेशिया है थाईलैंड है चाइना है और ये कंट्रीज हैं तो और इंडोनेशिया है इस स्टडी की जो फाइंडिंग्स हैं इस स्टडी के जो चैलेंजेस जो सामने आए हैं और इसकी जो इंस्टीट्यूट की एक तरह से रिकमेंडेशनस हैं उसकी लाइट में हम देखेंगे कि क्या हम वो चीज़ें पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ये चीज़ भी वाजे की गई है कि जो रिस्क मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज हैं वो फ्रॉम कंट्री टू तो कंट्री फ्रॉम रीजन टू तो रीजन वेरी करती हैं लेकिन उसमें कुछ कॉमन थीम्स हैं उसमें कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं और उसी हवाले से कुछ कॉमन इसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो रिकमेंड की गई हैं तो वो स्टडी इनशाला हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें किसी हद तक हमें अंदाजा हो सकेगा कि पाकिस्तान के बैंक्स पाकिस्तान की इंडस्ट्री जिस स्टेज पे भी है जहाँ पर भी है उस स्टडी की फंडिंग के से किस हद तक फ़ायदा उठा सकती है जब हमने ये एक तरह से ये टॉपिक कॉन्क्लूड किया तो जैसे हमने आपको बताया था कि एक अहम टॉपिक जो अहम इसका हिस्सा है रिस्क एपेटाइट का है वो है इकनॉमिक कैपिटल इकनॉमिक कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो आजकल के ज़माने में ये टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है और ये इसकी यूसेज जो है इसकी एप्लीकेशन जो है जैसे कि आपके सामने है इसकी डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ इन फैक्ट देयर्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स फ्रॉम एनी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस डेफिनेशन के हवाले से जब देखेंगे तो ये चीज़ वाज होकर सामने आती है कि इकनॉमिक कैपिटल क्या है एक गिवन कॉन्फिडेंस लेवल पे ए गिवन टाइम हराइजन में आपने ये इकनॉमिक कैपिटल कैलकुलेट करना है इसको एंटिसपेट करना है और आपने इसको इसी के हवाले से इसका जो ताल्लुक़ है ये जो मेजर है इन अ वे इट इज़ डायरेक्टली लिंक विद द रिस्क आस्पेक्ट और इसको बेहतर तौर पे समझने के लिए ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि आगे चल के हम अगले स्लाइड्स में आपके साथ शेयर करेंगे कि इसको हम कंपेयर करें रेगुलेटरी कैपिटल के साथ और ख़ास तौर पे इसके साथ साथ जो हम जो आप कहते हैं कि बुक कैपिटल होता है जिसको आप अकाउंटिंग कैपिटल कहते हैं उसके साथ हम कंपेयर करें जैसे कि डेफिनेशन आपके सामने है कि ये जो एक इदारा है और ख़ास तौर पर इकनॉमिक कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो है ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के हवाले से है वो ये है कि इसको ये एक वो डॉलर अमाउंट है जो आपको एक तरह से एक इदारे को सामने आता है जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को डिस्कस करने के लिए आपको हेल्प करता है इसके साथ साथ ये वो नंबर होता है कि आप इसको जो हर्डल रेट का कॉन्सेप्ट है आपने इन्वेस्टमेंट के कोर्सेज में हर्डल रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि वो रेट जो मिनिमम रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स अगर इसको आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो आपके सामने जो चीज़ आती है वो है कॉस्ट ऑफ रिस्क जब हमने रिस्क के मुतालिक इतनी सारी बातें की तो ये चीज़ जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है रिस्क अपेटाइट को डेवलप करने का उसकी एक अपनी कॉस्ट है और वह कास्ट इन आइसोलेशन में आपने नहीं देखनी बल्कि उस कॉस्ट को आपने कम्पेय कंपेरेटिव टर्म्स में बैंक के दूसरे एक्सपेंसिस के साथ लेना है ऑल दो दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ बट एट द सेम टाइम इन दान्टस्ट ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब तक ये कॉस्ट आपके सामने नहीं होगी तो आप इस चीज़ को वो नहीं कर सकेंगे तो जब हम इकोनॉमिक कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो आजकल के दौर में बहुत अहमियत अख्तियार कर गई है और दुनिया के जो बहुत से लीडिंग बैंक्स हैं अब उन्होंने तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस डिस्क्लोजर को बहुत उन्होंने कवरेज देनी शुरू की है और वो कहते हैं कि रेगुलेटरी कैपिटल के साथ साथ या जो बुक कीपिंग का जो कैपिटल है उसके बजाय इकनॉमिक कैपिटल की डिटर्मिनेशन इसकी एस्टिमेशन इसकी एक्यूरेसी बहुत अहम है और जब तक ये चीज़ उनके सामने नहीं आएगी दे विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू एक्चुअली फॉर्म द पॉलिस अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम इकनॉमिक कैपिटल को मजीद समझने की कोशिश करें तो ये देखें कि यह कैसे डिफर करता है रेगुलेटरी कैपिटल के साथ रेगुलेटरी कैपिटल जाहिर है इट इज़ इनफ ए फोकस डायरेक्टली ऑन द नॉन रिस्क फैक्टर्स जबकि ये जो इकनॉमिक कैपिटल है ये फोकस करता है रिस्क के ऊपर जबकि रेगोलेटिक जो कैपिटल है वो रिस्क वेटेड एसेट्स को जरूर टेक इंटू अकाउंट करता है अकाउंट फॉर करता है बट जो एक्चुअली रिस्क के जो पैरामीटर्स हैं जो रिस्क की इंप्लीकेशन हैं उसको ज़ाहिर है ये कैप्चर नहीं करता इसके साथ साथ रिगार्डलेस ऑफ द अकाउंटिंग और रेगुलेटरी कैपिटल जिसको इकनॉमिक कैपिटल या ई कहते हैं ये जो आप समझ लें कि जो ट्रू कैपिटल है जो ट्रू इकनॉमिक सेंस में अंडरपिन करता है एक कंपनी को एक इदारे को और उसके साथ साथ ये वो है जो आपको एक तरह से बहुत क्लियर नंबर प्रोवाइड करता है कि जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेज हैं जो शेयर होल्डर्स फोर सी कर सकते हैं जो शेयर शेयर होल्डर्स के को एक तरह से हिट कर सकते हैं ये कैपिटल उसको करता है यह आप देखेंगे कि अगर इसको मजीद समझना है कि रेगुलेटरी कैपिटल जो है उसके अंदर क्या खराबियां हैं वो क्या उसके अंदर लिमिटेशंस हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं रेगुलेटरी कैपिटल एज अगेंस्ट द इकोनॉमिक कैपिटल वो ये है कि वन साइड साइज फिट ऑल का कॉन्सेप्ट है कि तो वो एक साइज सब फिट कर देते हैं अगर हम बात करते हैं टीयर वन कैपिटल की तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा जी आपने इतने टेन परसेंट का अपने रिस्क वेटेड एसेट्स के साथ आपने टीयर वन कैपिटल डेवलप करना है तो एक तो ये है इसके अंदर दूसरा जो है इट डज नॉट टेक इन अकाउंट द रेगुलेटरी कैपिटल द एंड अदर आस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये वन साइज फिट्स ऑल का कॉन्सेप्ट है सारे बैंकों के ऊपर सारे इदारों के ऊपर एप्लीकेबल है इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल अदारे हैं जो तो उनकी जो इसके अंदर रिस्क टॉलरेंस की अंडरस्टैंडिंग है रिस्क अपीटाइट की वो जो है रेगुलेटरी कैपिटल इसको कैप्चर नहीं करता तो इन खामियों को जब हम मद्देनज़र रखते हैं इस लिमिटेशन की जो रेगुलेटरी कैपिटल्स की हैं तो फिर इकनॉमिक कैपिटल इसी की फादियत इसकी अहमियत सामने आती है इसकी इफ़ेक्टिवनेस सामने आती है और हम ये अगर देखें इस चार्ट में जो हमारे सामने है कि ये और ब्रॉडर सेंस में इकोनॉमिक कैपिटल क्या है ये आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है ये आपको ट्रू फेयर मार्केट वैल्यू जो प्रोवाइड करता है ये कोई अकाउंटिंग उसके ऊपर नहीं होता ये सारे रिस्क को कैप्चर करता है जबकि रेगुलेटरी जो उसमें आप सिर्फ मार्केट ऑपरेशनल और क्रेडिट रिस्क को लेते हैं जबकि यहाँ हर किस्म के पॉसिबल रिस्क को इसके अंदर कैप्चर किया जाता है ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है इन द सेंस कि वट इफ सिनारी को ये कैप्चर करता है इसके साथ साथ हम हे देखते हैं कि इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है और एक इदारे को पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इकनॉमिक कैपिटल क्या है इसके अंदर जो आगे चार्ट हैं वो इस चीज़ की वजाहत करते हैं कि हम किस तरह इकनॉमिक कैपिटल को इससे डिफ़र कर सकते हैं और इन हमारा अगला जो लेक्चर होगा जैसा कि हमने कहा इस इकनॉमिक कैपिटल की जो इस डिस्टिंगशन है रेगुलेटरी इसको हम कंक्लूड करते हुए हम अपना टॉपिक जो शुरू करेंगे वो एशियन बैंक्स की आर एम सिस्टम्स की जो स्टडी है आर एम ए आर एम आई की वो हम आपके साथ शेयर करेंगे टिल सच टाइम अल्लाह हाफिज